गाइस आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्या आपने कभी कोई ऐसा ऑर्बिटल सेंडर मशीन देखा है जिसके अंदर एक तीर दो निशाने वाली बात हो? नहीं देखा ना, कोई बात नहीं, आ जाओ बॉस दिखा दूंगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयूर एंड यू वाचिंग टच स्वाप ब्लॉग्स। वी आर बैक विद अनदर वीडियो गाइस। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऑर्बिटल सेंडर मशीन के बारे में। जी हां गाइस, मैं ये बार फिर से जो है आपके लिए अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूं। वैसे काफ़ी टाइम के बाद जो है मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूं, बट आज का जो अनबॉक्सिंग वीडियो करने वाला है और जिस टूल को मैं लेकर आया हूं, जिस ब्रांड को लेकर आया हूं, उससे तो ये डेफिनेटली जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हो ही जाएगा। सो यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख सकते हो अब तक का सबसे छोटा ऑर्बिटल सेंडर मेरे हाथ में है, और जिस ब्रांड का है वो ब्रांड का नाम देख लो, मज़ा आएगा। सो मैंने कई सारे ऑर्बिटल सेंडर्स पर वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में आ रहा होगा, जल्दी जाकर चेकआउट कीजिए। बट उससे पहले जो है आपको इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो पर आपने क्लिक जो किया है। इस ऑर्बिटल सेंडर की मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, इनफैक्ट प्राइसिंग से लेकर इसके स्पेसिफिकेशंस, इसकी डिटेल्स वगैरह, इनफैक्ट मैं आपको इसको एसेसरीज भी लगा के दिखाऊंगा कि किस तरह से जो आपको एसेसरीज लगाना है, क्या है, कैसा है, किस तरह से चलाना है। सो सारा सब कुछ जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है। तो करना कुछ नहीं है, आपको एक वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को दो सब्सक्राइब थोड़ा मोटिवेट के लिए, और करते वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, यही है वो ऑर्बिटल सेंडर जो कि सबसे छोटा और एक तीर दो निशाने वाले काम करता है। सो वो कैसे, जो कि आप वीडियो देखिए आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, जिस तरह से जो आपको एक छोटा सा बॉक्स देखने मिल जाता है। तो हम बॉक्स को अनबॉक्स करने से पहले मैं आप लोगों को जो इस बॉक्स का वॉक अराउंड ले लेता हूँ और इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह जान लेते हैं, ताकि चीज़ें जो है क्लियर होती जाए और वीडियो भी ज़्यादा लेंदी ना बने, टाइम पास कम लगे। सो इसलिए सो यहाँ पर आपको बॉक्स के फ्रंट लुक में आपको ये प्रोफाइल देखने मिल जाती है, जस्ट एज इट इज़। ये आपको सामने की तरफ भी यही प्रोफाइल देखने मिल जाती है, बैक साइड में भी सेम प्रोफाइल देखने मिल जाती है, जो राइट में प्रोफाइल है वही एज इट इज़ लेफ्ट में भी देखने मिल जाती है। सो ये तो हो गई अभी बॉक्स की बात, और अब हम बात करते हैं इस मशीन के स्पेसिफिकेशंस की, कि स्पेसिफिकेशंस में क्या स्पेशल है, क्योंकि गाइस मशीन लेने से पहले उसकी स्पेसिफिकेशन जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफिकेशंस के मामले में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की। सो यहाँ पर बेसिकली दो टाइप के मॉडल आते हैं, एक आता है DSB 100 और एक आता है DSB 100B। अभी जो मेरे पास मौजूद है वो DSB 100 है। और इसके वॉल्ट की बात करूँ तो 150 इसका आपको वॉल्ट देखने मिल जाता है, RPM की बात करूँ तो 12,000 इसका आपको RPM देखने मिल जाता है, और इसके हर्ट्ज की बात करूँ तो 50 से लेकर 60 हर्ट्ज आपको इस मशीन का देखने मिल जाता है। फिर इसके पैड साइज़ की बात करूँ तो 110 से लेकर आप 100mm तक का इसके अंदर आप पैड लगा सकते हो, जो भी आप लगाते हो पॉलिश पेपर वगैरह। और इसके नेट वेट की बात करूँ तो 1.3 kg इस मशीन का आपको वेट देखने मिल जाता है। अब ये डॉन्चिंग ने सजेस्ट किया है तो गाइस एकदम एक्यूरेट वेट होगा ये इसका, क्योंकि बॉक्स से ही मुझे थोड़ा सा जो है 1 kg वाला फीलिंग आ रहा है बात। और अब जो है ये तैयार है बॉक्स अनबॉक्स होने के लिए, और इसके अंदर आपको ऊपर की तरफ ही जो है सबसे पहले मशीन देखने मिल जाती है। तो मशीन को जो है हम एज इट इज़ बाहर निकाल लेते हैं और इसको रखते हैं अभी हाल फिलहाल साइड में, क्योंकि उससे पहले जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं, और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं आता है सो आप देख सकते हो। सो डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाता है एक वारंटी कार्ड और एक पैर मैंने कार्बन देखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक पैर आपको कार्बन देखने मिल जाता है, जो कि ओरिजिनल लॉन्चिंग का है, जो कि आप बाहर मार्केट में लेने जाओगे तो काफ़ी महंगा बिकता है। सो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओरिजिनल कार्बन देखने मिल जाता है इसका। सो ये भी आपको एक पैर दिया है, क्या बात है, अच्छी बात लगी मुझे। इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है वारंटी कार्ड, जो कि कंपनी क्लेम करती है 6 मंथ की वारंटी, जो कि ये भी सही है, ये इसकी ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन बुक है। सो अभी इसको मैं पढ़ने जाऊंगा तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, जब आप ख़रीदते हो तभी पढ़ लेना। हाँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि DSB 100B में कितना डिफरेंस है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर दो टाइप के स्पेसिफिकेशंस है, ये 100 वाले की है, और ये वाला जो पार्ट है कॉलम है ये वाला 100B की है। सो 100B में यहाँ पर जो इसका 150 वोल्ट है वो उसके अंदर 180 वोल्ट आता है, और RPM की बात करूँ तो ये 12,000 का है, सो वो आता है 13,000 का। बाकी जो मैं आपको बताया पैड साइज़ और जो वेट है वो एज यूजल सेम रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी 110mm से लेके 100mm तक का इसका पैड साइज़ है, और 1.3 kg इसका भी है उसका भी है। सो यहाँ पर सब मेंशन किया हुआ है। और अब हम जो है मेन बात करते हैं इस मशीन की। सो
सो यहाँ पर आप देख सकते हो मशीन का लुक, देख सकते हो ब्लू कलर की कुछ आपको मशीन देखने मिल जाती है यहाँ पर, क्या ही सही। यहाँ पर इसका जो प्लास्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक है, ग्रिप अच्छा बनाए रखेगा। सो वैसा कुछ आपको इसके ऊपर डिज़ाइन देखने मिल जाती है। कलर वाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मशीन। सो ऊपर की तरफ आपको काफ़ी सारी जो है ग्रिल्स दी हुई है, इसकी मदद से जो है मशीन आपकी ठंडी रह सके और नॉनस्टॉप जो आप इससे यूज़ कर सको। सो इसके लिए और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच देखने मिल जाता है, ये आप देख सकते हो, जो कि आप एक ही हाथ से सारे काम कर सकते हो, ऑन ऑफ भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, दूसरे हाथ जो है चीज़ें पकड़ने में या जिधर आपको यूज़ करना है कर सकते हो दूसरा हाथ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको डॉन्चिंग की बैजिंग, इस साइड में भी आपको डॉन्चिंग की बड़ी बैजिंग और कुछ सीरियल नंबर और छोटी मोटी स्पेसिफिकेशंस आपको इसके ऊपर भी देखने मिल जाती है, और तो कुछ नहीं है। और यहाँ पर स्क्रू देखने मिल जाते हैं, ये नीचे की तरफ आपको देखने मिल जाता है। 110 से लेकर 100 mm तक का जो है यहाँ पर पैड देखने मिल जाता है, ये हो गया 110 और ये हो गया 100 mm। सो इस तरह से, और यहाँ पर आपको क्लिप्स देखने मिल जाते हैं जिसकी मदद से जो है इसके अंदर जो आप पेपर वगैरह जो फिट करना है कर सकते हो, वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। बट उससे पहले जो है हम वायर की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप वायर देख सकते हो, कितना बड़ा वायर आपको देखने मिल जाता है। मेरे ख्याल से 2 से 2.5 meters आपको इस मशीन का वायर देखने मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से डॉन्चिंग के अलावा कोई नहीं आपको देता है। वायर कितना लंबा है, और वायर की क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी सिल्क, काफ़ी मुलायम वायर आपको इसका देखने मिल जाता है। 1 mm 2 कर वायर आपको इसका देखने मिल जाता है। सो वायर काफ़ी ज़्यादा सही है। और इस क्लिप को खोलना कैसे है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना आपको, दोनों साइड के जो है हुक्स पकड़ना है इस तरह से, इस तरह से, और इसको जो है ऊपर की तरफ प्रेस करना है कुछ इस तरह से। सो इससे जो है आपका ये वाला हुक है, ये वाला खुल जाएगा, और फिर इसके अंदर जो है आपको पैड को फिट करके इस हुक को जो है फिर से लॉक करना है, और सेम एज इट इज़ आपको इस साइड भी। सो मेरे पास अभी एक 120 नंबर का पेपर है मौजूद है, सो मैं वो लगा के आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कुछ आपको पेपर ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जिससे आप जो है घिसाई कर सकते हो। इसको लगाने से पहले मैं आपको बता दूँ एक तीर दो निशाने वाली बात इस मशीन में क्या है ऐसी। सो वो ये है गाइस कि आजकल लोग जो है टाइल बिठाते हैं तभी जो है इस मशीन का यूज़ करते हैं। अभी आप सोच रहे होगे कि कैसे गाइस, आप टाइल बिठाते हो तो आप हथौड़ी का यूज़ करते हो, जिससे आप मार मार के जो है टाइल को लेवल करते हो, बिठाते हो। सो अभी लोग जो है वो नहीं करते, अभी जो है इसका यूज़ करते हैं। ये पैड ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, ये सॉफ्ट मटेरियल है। सो इसकी मदद से जो है आप टाइल को इस तरह से वाइब्रेट करके जो है टाइल को बिठा सकते हो इजीली। सो इसीलिए जो इसका यूज़ करते लोग, और घिसाई वगैरह करना है जैसे कि POP में या वुड की घिसाई करनी है, सो आप जो है पॉलिश पेपर लगा के भी जो है घिसाई कर सकते हो। ये हो गई दो टाइप की बातें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेपर हो गया फिट, और इसको जो है फिर आप यूज़ कर सकते हो इस ऑन ऑफ बटन की मदद से। और वायर में आपको लगा देता हूँ, फिर आपको इसका जो है साउंड सुनाता हूँ कि कितना कम साउंड करता है ये मशीन ऑन करते इसको। गाइज आपने इसकी साउंड तो सुनी होगी कि इतनी कम साउंड, और मतलब ज़ीरो एक्स्ट्रा नॉइस के साथ आपको जो है ये साउंड करता है मशीन। और जो आवाज़ आती है वो इसके पावर की आवाज़ है, जो भी एक्स्ट्रा आपको लगता है कि एक्स्ट्रा नॉइज़ है। सो ऐसा कुछ नहीं, ये इसका एक्चुअल में पावर है गाइज, इसीलिए इतना साउंड करता है। सो और पॉलिश पेपर आप देखो किस तरह से वेव होता है।
सो इससे जो है आप घिसाई भी कर सकते हो। सो गाइस अब हम बात करते हैं इस मशीन के प्राइस की कि ये कितने प्राइस पॉइंट पर आपको मिलती है। सो मात्र 2000 रुपये की ये मशीन आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय करने में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, सो जाइए फटाफट से इसको बाय कीजिए। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अभी आपको पता है कि करना क्या, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो लोगों में, कॉमेंट करो गाइस कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टूल पर चाहिए या किस एसेसरीज पर चाहिए, जो कि मैं लाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।